का हमारा बच्चा खराब हो गया, तो उसके बाद ये ब्रेन टीबी हुआ, फिर पेट की समस्या, कभी सर में दर्द। ब्रेन टीबी में एक सेकंड मुझे तू ये बता दे बस, ब्रेन टीबी में तेरे को सर में दर्द रहता क्या है? अब तो ठीक हो गया मैंने। एक सेकंड रुक गया, मैं पूछ तो लूं। तब डॉक्टरों ने सर में दर्द था वो कितने दिन तक था? वो एक हफ्ते से था। सबसे पहले दर्द कहाँ हुआ था पूरे शरीर में मुझे ये बता दे? सिर में। सिर में हुआ, डॉक्टर ने ब्रेन टीबी बताया, फिर तेरा सर का क्या किया? ऑपरेशन? नहीं। और इलाज चला। फिर सर से दर्द कहाँ हुआ? पेट में। फिर पेट में क्या बताया? पेट में सिस्ट। सिस्ट बताई। अब वो दर्द कमर में आ गया, अब कमर में क्या बताएगा डॉक्टर? क्या बताएगा बताना मेरे को। फिर वो पैर में घुटनों में आएगा, फिर ऑपरेशन घुटनों का। तेरी तो मतलब पूरी जिंदगी लील देंगे डॉक्टर। तुझे पता है एलोपैथी नाम की जो विद्या है ये दुनिया की सबसे खराब चिकित्सा है। आगे ना समझ, आप इसको बोलो ये तीव्र विद्या है। एलोपैथी से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अरे घंटा ठीक हो जाता है क्या? एलोपैथी से सारी जिंदगी आपका डिप्रेशन खत्म नहीं होता। एलोपैथी से सारी जिंदगी आपका सर्वाइकल खत्म नहीं होता। एलोपैथी से सारी जिंदगी माइग्रेन खत्म नहीं होता। माइग्रेन भी बता दिया। इसके पहले सर में दर्द हुआ, सर की बहुत साल दवाइयां खिलाई, फिर पेट में दर्द हुआ, फिर पेट में ऑपरेशन कर दिया। गोले की तरह इसको घूमता था पेट में, बोल हाँ के ना। अभी कहाँ है पेट में? अभी भी तेरे को ऑपरेशन बताया, गांठ बताई, गांठ बता दे मेरे को ढूंढ के। आपको पेट में यहाँ अंदर गांठ होगी, आपको महसूस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे आप पागल थोड़े ना है भाई, आंख बंद करो, आप आंख बंद करके देखो, आपके अंदर एक शरीर में छोटी सी गांठ, एक मक्खी बैठ जाती है उसका तो पता चल जाता है भाई। क्या बात कर रहे हो, ये बकवास करते हैं, इनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है ऑपरेशनों के अलावा। आप ऑपरेशन कराओगे पैसा जाएगा कि नहीं? आपसे नहीं लेंगे, मेडिकल कंपनियों से लेंगे, जिनका आपने वो कराया, इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस कराया हुआ है? नहीं कराया। कितना पैसा लगा इसको पिछले ऑपरेशन में? इतने में लगे थे, 60 के करीब लगे। 60 के करीब लगे थे। तू इसके ऑपरेशन ही कराता रहेगा? इसको तो निगेटिविटी है, प्रेत का तत्व है, इसके शरीर में भरता भी है। बिल्कुल, वो इसके सर में था पहले, सर में था। डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर उसकी दवाई खिला दी। मैं बताऊँ इसका पेट बढ़ गया उस दवाई से, बोल हाँ के ना। आज दो माँ बेटी आई, उनके 150 किलो वजन हो गए। कहाँ हो गए भाई, 20-20 दवाई साल दवाई खा ली उन्होंने, ना तो एक का माइग्रेन ठीक हुआ, ना एक का डिप्रेशन ठीक हुआ। बताओ क्या करोगे इन डॉक्टरों का? दुनिया की एक ही विद्या सबसे खराब है, एलोपैथी। और आयुर्वेद में, हमारे यजुर्वेद में लिखा है कि आयुर्वेद में आज के बाद भी, कई लाखों वर्ष बाद भी, अगर कोई रोग होगा उसकी भी दवाई पहले से मौजूद है, उसकी भी कोई जड़ी पहले से मौजूद है। अब आपने खोज करनी है, फिर कमाल की बात है। फिर आप लोग नहीं चेतते, आँख बंद करके तू जाप नहीं कर सकती, मैं तेरे को आज बताऊं ना, तू पहले कर सकती थी जब तेरे सर में दर्द था, और सर में दर्द भी धीरे धीरे हुआ, एकदम से नहीं हुआ, फिर वो बढ़ता गया, तू जितनी दवाई खाती गई वो बढ़ता गया, फिर डॉक्टरों ने दवाइयों की हद कर दी, तुझे नींद आने लगी, ठीक है, सर के लिए ही दवाइयाँ दे दी। फिर उस प्रेत ने ये सोचा कि ये तो सर की इतनी दवाई खा रही है, अब इसको पेट की दवाई खिला देता हूँ। तेरे से ज़्यादा माइंडेड है वो, आगे ना समझ में। जो डॉक्टर ये सूट वूट पहने घूमते हैं ना, इनको पता नहीं है, इनकी औकात नहीं है उस आत्मा के आगे, वो इतनी बुद्धिमान है। आए ना समझ में, ये कितनी पढ़ाई कर ले वो इनके पैर के नीचे की जमीन निकाल देगी। आया? फिर अब पेट में, फिर पैरों में जाएगा, अभी कमर में पहुंच गया ना, फिर पेट से कमर में सरक जाएगा, पेट का भी ऑपरेशन कराने की सोच रहा है तेरी, फिर सीधे कमर में जाएगा, कमर से फिर पैरों में आएगा, घुटनों में। कितना ऑपरेशन कराएगी? तू ये आदमी अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़े, तेरे ऑपरेशन के लिए जोड़े, मुझे यही बता दे। अपने पेट में जोर से खींच के गुस्सा मार, मेरे को बता दे, अगर रसोड़ी होगी तो दर्द होगा। ये जोर से है, जोर से मार दे, जोर से, कहीं भी खूब, कहीं भी खूब जोर जोर से, जहां तू रसोली कहती है ना वहां अपने आदमी से गुस्सा लगवा ले खूब, अगर तेरे को रसोली होगी तो दर्द होगा। बोलो हाँ के ना, बोलो। क्या इतना भी दिमाग में नहीं आता आदमी के? इतना तो दिमाग में आता है ना। कौन से डॉक्टर थे ये? रेनू, ये क्या नाम है, कौन सा, महेंद्रू, ये नवादा में डॉक्टर, नाम बोलो। रेनू महेंद्रू। उस डॉक्टर को ये बोल दो कि इस विषय में तुझे कुछ नहीं आता, तू पैदल है, जीरो है, तुझे पता नहीं आदमी को प्रेत है, तू ऑपरेशन करती फिरती है। दवाई इतनी बांध रखी है बस, मैं क्या आदमी का जी जानता है। गरीब गरीब आदमी से 1.5-2 लाख रुपए निकाल लेते हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजदूरी। ये जितने बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, जितने ऊंचे ऊंचे फर्श है, ये वो हैं जो यमराज के किनारे जाएंगे। अभी तो ये भगवान बने फिरते हैं ना, ये यमराज
के जो दूत है ना, ये मरेंगे नहीं वहाँ, वहाँ मरते नहीं है, वहाँ तो इनको सजा दे दी जाएगी, रोज के 200 कोड़े लगेंगे इस आत्मा को, इनको 200 कोड़े रोज लगेंगे, ठीक है। क्यों लगेंगे? क्योंकि ये अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं और भगवान मान रहे हैं, इनका यही अहंकार नहीं निकलेगा सारी जिंदगी कि हम बहुत बड़े डॉक्टर थे, हम भगवान थे। जितना मैं नरक में गया था, आया समझ में, मैंने नरक में देखा सारे डॉक्टर और वकील भरे पड़े हैं, आ गया ना, और वे भरे पड़े हैं जो सारे रिश्वत ले रहे हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, और वो भी उल्टे तरीके से, जिससे लोगों को नुकसान ही पहुंच रहा है, हानि पहुंच रही है, ऐसे नहीं है, हाँ ना समझ में, ठीक है, हानि पहुंच रही है जिससे लोगों को, जनसंख्या को हानि पहुंच रही है। अब ऐसे पैसे का तू क्या करेगी जो तेरा, ऐसा पैसे का वो क्या करेगा जो तेरा गला काट के लेके आया? किसी गरीब का तो गला नहीं काटना चाहिए ना, गरीब का गला काटोगे क्या लाभ होगा? बद्दुआ मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी। रिश्वत लो तो नेताओं से लो, क्यों जी? नेताओं से लो जिनके अंबार भरे पड़े हैं, जिनकी कोई था नहीं है, आए ना समझ में, इनके होना चाहिए रिश्वत का डंडा, भाई तू दे रिश्वत हमारे नाम की भी। मनु भैया इसमें ना चीज भरती है, मतलब आ जाती है और बोलती नहीं है। अब तू जब ये बात जानता है, इसको कहाँ लिए फिरता है भाई? तुझे पता नहीं प्रेत जहाँ बैठेगा वहाँ दर्द करेगा और पेट में जाएगा, ऐसे घूमेगा गोले की तरह, अचानक होगा जो भी होगा, और डॉक्टर कहे तूने शनि धाम देख लिया, भूल जाइए तू, इसके अलावा इसकी दवाई बंद करा दूंगा मैं। शनि धाम से हजारों लोगों ने दवाई बंद कर दिया, एलोपैथी की लेनी, दवाई छुटवा दो अपने आप छोड़ देगा, यही ना छोड़ देगी, ये काहे दवाई खाएगी भाई, काहे अपने बच्चों का पालन ना करेगी, ये काहे दवाई खाएगी, जब यहाँ आएगी तत्वी कम रह जाएगा। अब आंखों में देख, तेरे को मैं डॉक्टरनी को क्या दिखाता हूँ, देख ये पेट में बैठी है, बताइए डॉक्टरनी की बुआ जी बैठी है, डॉक्टरनी को ये कह दिया तेरी बुआ जी बैठी है, निकालेगी कैसे? बुआ जी के बारे में तू क्या जानती है? आगे मनु भैया अकेले ऐसे हिंदुस्तान में जो करके दिखा रहे, देख तुझे यहाँ ये चीज बैठी है, बहुत देखा है आपका, मैं बहुत दिन से फैन कर रहा हूँ। फिर ये इतना शक्तिशाली है, तुम्हारे दिमाग से आगे चल रहा है, ये डॉक्टर के दिमाग से आगे चल रहा है, फिर कब होगा? अब होने वाला है ना, पैर मार जमीन पे 2-4 बार, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव, अब बता दे दर्द कहाँ है, खूब दबा ले, खूब अपने पेट को दबा ले, अभी है नहीं, मैं नहीं कहूँगा आएगा नहीं, लेकिन अब कम ही होगा, हमेशा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आती रहना तू मेरे पास, कदापि मत छोड़ना, तेरा घर खूब खुशहाल हो जाए, तू चारों तरफ से भर दे तुझे शनिदेव महाराज, ठीक है, जितना उस डॉक्टरनी के पास पैसा उतना तेरे आ जाए, जब आना छोड़ना तू, उससे पहले आना मत छोड़ना, मेरी गारंटी है, ऐसे ही तू 2 हॉस्पिटल बना लेगी, लोगों की सेवा कर पाएगी, इनसे तो होती नहीं है ये जितने भी डॉक्टर बैठे हैं, ये तो लोगों के गले काट रहे हैं, ये लोगों को छेद रहे हैं, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल नहीं बचा हुआ मनु भैया से, जिनके डॉक्टर उसमें नरक में ना तले हो मनु भैया ने और शनिदेव महाराज ने, आगे ना, ये तो यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ मेरे यहाँ पानी नहीं भर रहा, धरती फटेगी सूखे में समा जाएंगे, यहाँ पानी भर जाए मेरे यहाँ तो यहाँ डूब के ना मर जाए ये सारे डॉक्टर, इनको शर्म नहीं आएगी, फिर भी ये कहेंगे कि हमारी पत्ती सबसे अच्छी है, जबकि आज तक पूरे डॉक्टरों ने एक भी सोराइसिस का मरीज ठीक करके नहीं दिखाया, दवाई खिलाई है जिंदगी भर, एक भी जिसको गठिया बाय है वो मरीज ठीक करके नहीं दिखाया, दवाई खाए जाओ हाथ पैर मुड़े जाएंगे, दर्द और बढ़े जाएंगे, कैसी बात है? फिर कहते हैं हमारी शिक्षा सब, हमारी चिकित्सा सबसे अच्छी, क्या अच्छा खाक, बताओ इनको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? हम पढ़े लिखे हैं फिर भी हमें इनको ऐसी ऐसी गालियां सुनानी पड़ती है कि कोई और होना, इनको प्लास्टिक के कीड़े पड़ने हैं जिस हिसाब से लोगों से पैसा ले रहे हैं, इनको समझ में नहीं है आदमी रोगी किसी चीज का है और दवाई किसी चीज की दे रहे हैं, बताइए बताइए मैंने क्या कर दिया? मैं बिना हाथ लगाए अगले आदमी को ठीक कर सकता हूँ, बिना हाथ लगाए, ठीक, हाथ लगा के इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर हाथ लगा के ही ऑपरेशन करते हैं सारे, तब लोग ये जानते नहीं है, लोग कहते मन भैया हथौड़ी से काम क्यों लेते हो, काम ना लूँ तो भाई कैसे, ये ऐसे तो गुलाम है नहीं, ये प्रेत है, रमे बैठे हैं तुम्हें, कण कण में रोम रोम में रमा हुआ है, कण कण में रोम रोम,
आया ना समझ में, जितनी बार चाहे तुझे उतनी बार गिरा सकता हूँ, आया ना। इतना बड़ा शरीर है तेरा, खूब अपना छिक्के जोर लगा दिया फिर भी गिर जाएगी क्यों जी। फिर तुझे प्रेत बाद आया, जो डॉक्टर का फूफा और फुआ जी है वे डॉक्टर को लाभ दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के फूफा और बुआ जी हैं, हमें लाभ नहीं दे रहे, हमें तो वे नुकसान दे रहे हैं, हानि दे रहे हैं। गरीब आदमी को, एक मजदूर आदमी से डेढ़ डेढ़ दो लाख रुपए ले लिए जाते हैं इन हॉस्पिटलों में, सब दवाई में। फर्ज देखने का पैसा है, हाँ हॉस्पिटल का फर्ज देखा, आपको पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये मनु भैया की गरीब की झोपड़ी है, ये देखो ठीक है। इस झोपड़ी के नीचे रोजाना कई सौ लोग ठीक होके जाते हैं, तूने देखा भी होगा, आज की वीडियो देख ली है, कई सौ लोग अरवे ठीक होके जाते हैं, जिनको डॉक्टर ये कहता है, क्या कहते हैं कि तुझे फला बीमारी है, तुझे ये बीमारी, ऑपरेशन के 20-20, 30-30 मरीज रोजाना ऑपरेशन के देख रहा हूं मैं। और आज भी एक औरत आई ना, पांच स्टंट बोले थे उसको, पांच स्टंट पड़ेंगे। घबराहट कोई चीज पैदा कर रही है, कान में फूंक मार रहा हूँ, फूंक ही वहां लग रही है। आ अब तुझे एक और बात दिखाता हूँ, देख दुनिया के डॉक्टर के किसी के पास ऐसी मशीन नहीं होगी जैसी मेरे पास है, ये देख नाम की शक्ति का प्रभाव। और एक सांस वाली भी आई, उस सांस वाली से 100 चक्कर कटवाए मैंने, आंख बंद कर फूंक को महसूस कर, कहाँ झज्जत हो रही है, कहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है, कहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, अपने शरीर को महसूस करना सीखो, आंख बंद करके जाप करना सीखो, तब पता चल जाएगा अपने आप प्रेत से बाधित हो कि बीमारी से बाधित हो। दिमाग में और पेट में, पेट में कहेंगे झंझट, क्योंकि पेट में दोष बैठा है आगे ना। अब और मारता हूँ, अब जहां जहां रमा होगा पूरे शरीर में चली जाएगी। दुनिया में ऐसी मशीन आज तक कभी किसी ने बनाई नहीं ना बनेगी। बस आंख बंद कर महसूस कर इसको, जो दोबारा मारिए ऐसी तैसी एलोपैथी की, बताओ मेरे को किस नाम की चिकित्सा है। आदमी ठीक नहीं होता, अरे माइग्रेन ठीक नहीं होता, 20-20 साल दवाई देते, रोज आते हैं मेरे पास ऐसे लोग, 20-20 साल पैरों में फूंक गई है, देखो फूंक का कमाल, देखो फूंक का, ठीक है। ये तो शुक्र कर मैं सामान्य आदमियों को फूंक मार रहा हूँ, डॉक्टर को फूंक मार दी, डॉक्टर ही फूंक जाएगा, गल जाएगा सड़ा सड़ा, क्योंकि उसने तो इतना खा रखा प्रेत के नाम का, कुछ हद नहीं। इन प्रेतों ने अगर दुनिया में किसी का सबसे ज्यादा फायदा किया है तो किसका फायदा किया है, डॉक्टरों की बुआ जी और फूफा जी है, देख के ही जाते हैं डॉक्टर के घर में, लेके ही जाते हैं कुछ ना, आए ना समझ में। इतना लाभ डॉक्टरों को दिया है, डॉक्टर उसकी सेवा करता है और अपने घर में कमरे में रोक के, फूफा जी की और बुआ जी की। आदमी को 120 वर्ष तक आदमी बीमार ही नहीं होना चाहिए, क्यों होना, क्या साल की उम्र है तेरी, 32 साल की उम्र में तेरे को दर्द क्यों, बोल। यहाँ ऐसा भी आदमी मिल जाएगा जो 72 साल का दर्द नहीं है उसको कण मात्र, फिर ऐसी विषमता क्यों, किसी ने सोचा ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है, क्यों सोचेंगे, इनके पेट भर रहे हैं, यहाँ झांत भर गए इनके, आगे ना बोरियां रख रखी है डॉक्टरों ने, यूं गेरते हैं 500-500 के नोटों की गड्डी, किया है पेट में रसोड़ी 2.5 लाख, क्या है अच्छा बच्चा पैदा होना 1.5 लाख, ऐसे 1,60,000 रुपये एक लड़के से इस बात के ले लिए। और एक बात, सारी दुनिया में कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, सब में जो प्रसव की क्रिया है वो ऐसे ही होती है अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान की दया से, एक मानव की प्रसव की क्रिया ऐसी बना दी इन डॉक्टरों ने, कमीनों ने, अपना पेट भरने के लिए पेट काटना चालू कर दिया, 1 मिनट में पेट काट देते हैं, 1 मिनट में, इनका कुछ नहीं लगता, किसकी माँ है किसकी बहन है, अपनी पत्नी का नहीं कटने देते। और बोलो डॉक्टर की किसी भी पत्नी को देख लेना, पेट कटा हुआ नहीं मिलेगा, तुम्हारे काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं भाई, पैसे मिल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में इतना बड़ा इंजेक्शन जाता है, 1.5 साल तक औरत दर्द से कराती है। एक डॉक्टर मेरी तैसी थी, उसने तुम्हारी भाभी का पेट नहीं काटने दिया, ऑपरेशन बोल दिया, बोला मैं 36 घंटे नहीं 42 घंटे में बच्चा निकालूंगी जागते हुए, मैं उस डॉक्टर का एहसान नहीं भूल सकता। ऐसे भी है, लेकिन ऐसे 2% है, कितने, 2%, दो जो 98 है कमीने, उनके तो कीड़े पड़ने हैं प्लास्टिक वाले, वही तले जाएंगे देख लेना, गरीबों की हाय है इन डॉक्टरों पे, ये भगवान हो ही नहीं सकते कदापि, ठीक है, किसी भी रूप में डॉक्टर भगवान नहीं है, वो भी एलोपैथी का दवाई के मोहताज बना दिए। सारी दुनिया अपने आप खाते हैं केवल पैरासीटामोल, सारी दुनिया को सारी दवाई खिलाते हैं रातों को नींद की, आदमी सोता सोता इतना मोटा हो जाता है बिना बात के, वो रोटी खाता है एक मोटापा इतना,
ढाई 250 किलो के हो गए हम, इतने पतले पतले थे। ओ क्या कर रहा है भाई, चल हो गई ठीक। नहीं रसोली है, देख इससे दिखाता हूँ, हुई कहीं रसोली का दर्द है? बोल दे, महसूस तो कर लेगी ना अपने पेट को, इसको दुनिया नहीं देखेगी क्या? ना देखती कमी नहीं दुनिया, दुनिया को चाहिए है रस, किसी का सर घूमता हो सारे देख लेंगे, इस दुनिया को ना चाहिए कुछ भी, मजे चाहिए इस दुनिया को बस।